आदरणीय हमारे एक ही जो नॉन शिक्षक हैं यहाँ ना, गैर शिक्षक डॉक्टर साहब डॉक्टर मरांडी, और बाकी तो हमारे कलीग्स हैं। अच्छा, और जॉन सर, बाकी तो हमारे कलीग्स हैं यूनिवर्सिटी के। परंतु साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जहाँ कहीं से भी लोग जुड़ पा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस 2020 का हिस्सा बनेंगे हम, हमारी यूनिवर्सिटी का यह सौभाग्य है कि हमारे कुछ शिक्षक और स्टूडेंट्स और उनके पहल से हम जो 9 अगस्त को विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं हर साल, और ये क्रम 26 साल पहले शुरू हुआ था, बल्कि 23 दिसंबर 1994 को ये डेक्लरेशन हुआ था कि 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। तो इस साल के 2020 के विश्व आदिवासी दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस में जितने लोग जुड़ेंगे, ये खुशी का मौका है कि हम 8 तारीख से ही खुशी मनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार जब होता है तो 1-2 दिन पहले से उसकी तैयारियां होती हैं। और सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के प्रांगण से हम शहर में, दुमका शहर में और संथाल परगना में हम इस उत्सव को मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए, उनको मैं बहुत कमेंट करते हुए, सराहना करते हुए सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये निर्णय 26 साल पहले हुआ था, बल्कि इस साल हम 26वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। और 9 अगस्त वो तारीख होता है जब 1982 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशंस की सभा हुई थी यूनाइटेड नेशन के प्रांगण में। और ये उस समय 1980 के डेकेड की बात है, इसलिए जिनीवा में हुई थी, अभी तो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में चला गया है। और उस समय से, मतलब कि 1995 से लेकर अब तक ये हर साल मनाया जाता है। और मैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि विश्व भर में आदिवासी लोग हर देश में, हर महाद्वीप में हैं, और हर हर देश का, हर राष्ट्र के अपने राष्ट्र दिवस होते हैं, और इसी तरह हर देश में, हर महाद्वीप में अपने ही आदिवासी दिवस मनाए जा सकते थे। परंतु यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि अंतरराष्ट्रीय दिवस होगा ये, कि विश्व के आदिवासियों की बात की जाए। और इसलिए आज सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का हिस्सा होते हुए और 26वां अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस जब मना रहे हैं हम, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चूंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, और चूंकि शिक्षा की बात, शिक्षा जीवन के या मनुष्य के लिए इतना आवश्यक है कि उसकी चर्चा एसेंशियल, जो एक निहायत नितांत आवश्यक चीजों में आती है, स्वास्थ्य दूसरा है और शिक्षा, ये दो बातें किसी भी समाज के लिए नितांत आवश्यक हैं। और हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठकर शिक्षा की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात हमारे डॉक्टर साहब और हमारे समाज से भी लोग कर सकते हैं। और इसलिए मैं बहुत सी बातों में गोल गोल जाने के बदले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कई दो बातों का। एक तो 2005 से लेकर 2015 तक, नहीं सॉरी 1995 से लेकर 2004 तक एक दशक रहा जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंटरनेट ऑफ इंडिजिनियस पीपल या डेकेड ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स बोला गया। मतलब
विश्व के आदिवासियों का दशक करके 94 से स्टार्ट हुआ, 94 में डिक्लेरेशन हुआ, तो इसलिए ये 2004 में खत्म हुआ। ये पहला दशक रहा। दूसरा दशक शुरू हुआ 2005 से लेके 15 में, और पहले दशक में ये ध्यान में रखने के लिए या ध्यान में रखा गया कि पूरे विश्व भर में, जैसे मैं बोल रही थी कि सभी देशों में और सभी महाद्वीपों में, क्योंकि इतना तक कि अलास्का वगैरह में भी है, तो आदिवासियों की जहाँ भी आदिवासी या इंडिजिनियस पीपल्स, या जैसे ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनस बोलते हैं, यूएसए कनाडा वगैरह में फर्स्ट पीपल, फर्स्ट नेशन पीपल भी बोलते हैं। सुचित ज्यादा, हमारे सोरेन साहब ज्यादा उस पर प्रकाश डाल सकेंगे। तो सब जगह एक बात ध्यान दी गई कि उनके मानव अधिकारों को बिल्कुल सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि मानव अधिकारों की बात पहली, दूसरा एनवायरमेंट की चर्चा, और तीसरा डेवलपमेंट, चौथा एजुकेशन, और पांचवा हेल्थ। ये पांच बातों को 10 सालों में हम आंकेंगे कहके, इसलिए ये दशक पहले दशक की घोषणा की गई। अब उस पहले दशक में जो जो बात, और उस समय का, और उसमें बहुत ही एक्टिव तरीके से वर्किंग ग्रुप, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल की मीटिंग हर साल होती थी, और इन्हीं पांच बिंदुओं पर चर्चाएं होती थी हर देश से, हर महाद्वीप से, हर रीजन से। जैसे एशिया बोल के, हम लोग सभी एशिया के रीजन में आ गए, तो एशिया में भी साउथ एशिया, और ऐसे करके अलग अलग रीजन की बातों को लाया गया कि इन पांच विषयों पर क्या परिस्थिति की क्या परिस्थिति है। कई एक देशों ने तो कहा कि हमारे देश में तो आदिवासी है ही नहीं, क्योंकि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले इंडिजिनियस पीपल, और अगर हम गूगल के ट्रांसलेशन में देखेंगे तो इंडिजिनियस का हिंदी ट्रांसलेशन आता है स्वदेशी, अभी भी अगर आप लोग देखें, जो कि वो नहीं है। इंडिजिनस पीपल मतलब जो वहाँ के मूल मूल वासी, एकदम जब सभ्यता का की चर्चा नहीं थी उसके पहले से वहाँ जो थे उनको ही आदि या आदि मानव बोल देते हैं। परंतु इंटरेस्टिंगली गूगल में जो लोग हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने आदिम जाति या आदिम मानस ये सब नहीं ये किया और स्वदेशी बना दिया है अभी, और इसलिए गूगल के साथ भी काम करने की आवश्यकता है आदिवासियों को, ताकि कुछ कुछ ऐसे शब्दों की का सही ट्रांसलेशन, सही शब्द मिल सके। तो ये पहले दशक की कहानी हो गई, और यूनाइटेड नेशन ने इन सभी पांचों विषयों पर, अब सभी देशों की हालत, यहाँ वहाँ के लोग जो भी, बहुत से देशों ने कहा कि हमारे यहाँ तो इंडिजिनस पीपल नहीं है, तो इसीलिए आईओ के द्वारा ये बात लाई गई कि उसको इंडिजिनस और ट्राइबल बोला जाए, क्योंकि कुछ कुछ देशों में ट्राइबल शब्द का परिभाषित था, तो यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। और जो रिपोर्ट्स मिले जिसके कारण यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ को लगा कि नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव अधिकार से लेके स्वस्थता की बात में दूसरा दर्जा दिया जाता है वहाँ के इंडिजिनियस पीपल, अबॉरिजिन्स या आदिवासियों को। तो इसलिए दूसरा दशक भी डिक्लेयर हुआ 2005 से 2015 तक। अब 2005 से 15 के बीच जो ध्यान में जिस ऑब्जेक्टिव से लिया गया, उसमें भी फिर से पांच तत्व आए कि कैसे भेदभाव को कम किया जाए, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूजन, ताकि भेदभाव जो होता है हमारे देश में, तो तरह तरह से हम विभिन्नता का देश बोलते हैं पर भेदभाव का देश भी माना जाए, हम भिन्नता पर ध्यान देते हैं, विभिन्नता पर नहीं, है ना। विभिन्नता में ये हुई कि आप मेरे से अलग दिख रहे हैं परंतु आप भी मेरे ही बराबर हैं, पर भिन्नता हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा ऊंच ऊपर नीचे की बात भी, वो सिमेंटिक्स भी आ जाता है। परंतु इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा कि भेदभाव को कम करना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लाना, और
नॉन डिस्क्रिमिनेशन को अगर ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इंक्लूजन को लाना, सबके समावेश को, सबकी भागीदारी हो। दूसरा बिंदु रहा कि जितने भी आदिवासी या मूल निवासी मूल वासी हैं हर देश में हर क्षेत्र में, वे भी निर्णय लेने वाली सभाओं का हिस्सा बने। तीसरा कि जो विकास से संबंधित नीतियां हैं उसमें किसी भी अवयव को, उनका तो कल्चर ही ऐसा है, उनकी तो संस्कृति ही ये है, इसलिए उनको छोड़ दो या इसीलिए उनको सम्मिलित ना करो, ये वाली जो सोच है, जो सोच के बदले डेवलपमेंट या विकास से संबंधित नीतियां लाएं जिसमें उस संस्कृति की से क्या मिल सकता है विकास को या किसी क्षेत्र और देश के विकास को। क्योंकि अभी हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं जिसमें मेजॉरिटी आदिवासी हैं, है ना, अगर और ये पूरे पूरे विश्व में मानी हुई बात है कि जहां जहां आदिवासियों ने वास किया वहां वहां ऐसी उनकी उनके रहन सहन और संस्कृति के कारण हुआ कि जंगल बचे हुए हैं, हाँ, वहां के जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका शोषण नहीं किया गया, संसाधनों का शोषण नहीं किया, मतलब कि संसाधनों को अब्यूजिव तरीके से अपने ही यूज के लिए अब्यूज नहीं किया गया। तो इस तरह की जो संस्कृति से सीखने वाली बात है उनको नीतियों में जगह देने का तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु रहा है कि ऐसे टारगेटेड पॉलिसीज बने, ऐसी मतलब पिन पॉइंट ऐसी नीतियां बने जिससे कि आदिवासियों को यदि सोचा जाता है कि उनमें और विकास की आवश्यकता है, एक तो मैं मुझे बिल्कुल परेशानी है ये विकास शब्द से, विकास की परिभाषा से है, क्योंकि हम लोग विकास की परिभाषा केवल कुछ मापदंड के आधार पर करते हैं, दूसरे मापदंड के आधार पर नहीं, और यही वो सांस्कृतिक सामंजस्य या लेन देन की बात होनी चाहिए जिससे कि जो दूसरे बिंदु के अनुसार विकास की भी परिभाषा फिर से हो। तो इसलिए अगर ऐसा सोचा भी जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में देखिए हो सकता है खाने पीने उनके खान पान की ऐसे पैटर्न है जो कि बहुत बहुत अच्छे पोषण पे नहीं हो, कुपोषण के शिकार पाए जाते हैं, है ना, तो उसकी कई और भी कारण होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि जब जंगल के फलों को खाते हैं तो उससे कुपोषण नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है, है ना, और जो भी जिस प्रकार की ग्रहण सर, तो इसलिए परंतु कई कई कारणवश क्योंकि जंगल का हनन हो गया और इसलिए जंगल से वो प्रोड्यूस नहीं मिलने सके जो कि पोषण का काम करते थे, पर इसलिए कुपोषण की अगर शिकार है और कुपोषण से निकालना है और इस तरह से कुछ कुछ और बिंदु हो सकते हैं, तो उनके लिए टारगेटेड नीतियां बने, ये चौथा ऑब्जेक्टिव था दूसरे दशक का। और सबसे अंतिम ऑब्जेक्टिव था कि जो भी नीतियां और मैकेनिज्म बन रहे हैं देशों में प्रदेशों में रीजन्स में उसका इफेक्टिव उसको मॉनिटर करना, क्योंकि पेपर में तो बहुत काम हो सकता है, कागज में दुरुस्त बात में चुस्त और काम में सुस्त से भी काम चलाया जाता है, तो इसलिए अगर कागज में दुरुस्त है बात में भी चुस्त है पर काम में सुस्ती की जगह न हो, इसको ध्यान में रखते हुए पांचवा ऑब्जेक्टिव था कि मॉनिटरिंग हो। नीतियां बना के हम ढेर बना देते हैं, हमारे संविधान भी है और उसे निकाल निकाल के नीति और फिर एक्ट और सब कुछ बन जाता है, परंतु हम काम में सुस्त वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देने के लिए दूसरा दशक था। अब यूनाइटेड नेशन ने तीसरे दशक की घोषणा कर ही दी है, पर वो तीसरा दशक 15 के बाद या 16 से नहीं आया और एक गैप के बाद आ रहा है, ये 2022 से 2032 में होने वाला है ये तीसरा दशक। और ये भी इन सभी इस दौरान कई, और आप ध्यान देंगे कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने की कोई ना कोई थीम होता है, और इस साल जो भी कि पुराना एक थीम रहा होगा परंतु
विश्व के ये वैश्विक महामारी और अपने प्रकोप के कारण COVID-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस, रेजिलियंस का बहुत अच्छा हिंदी मुझे नहीं मिल पाया, परंतु रेजिलियंस शब्द का शब्द की व्याख्या बाद के सेशन में दूसरे विद्वान लोग कर पाएंगे, परंतु COVID-19 और आदिवासी लोगों के रेजिलियंस पर चर्चा हो, ये इस साल का थीम है। और इस थीम के तहत ये भी देखा गया कि जैसे हम लोग अगर सुनामी को याद करेंगे तो बात बताई, ये बात भी देखी गई और ये मानी हुई तथ्य है कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो जिन लोगों का सबसे कम या कुछ भी हानि नहीं हुई थी ना, वो कुछ आदिवासी लोग थे जो कि तूफान शुरू होने के पहले ही जंगल में पहाड़ों में भाग गए थे जहां तक लपटें नहीं आई। और तो इस तरह से ये भी माना जा रहा है कि आदिवासी सारे पूरे विश्व के आदिवासियों के बीच कुछ कुछ ऐसे संस्कृति या उनके रहन सहन और उनकी परंपराओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको रेजिलियंट बनाती हैं। तो इस पर भी चर्चा की जाए ताकि उससे सीखा जाए। और लोगों ने बतलाया भी है कि गांवों को बंद कर देने की प्रथा होती थी कभी भी किसी भी महामारी की, 73 साल पहले जब हैजा की बात हो रही थी उस समय बहुत सी जगहों में लोगों ने अपने अपने गांव को बंद कर दिया, इसलिए कि अगर हमारे गांव में हैजा है तो हमारे से पड़ोसी गांव में ना जाए और अगर पड़ोसी गांव में है तो हमारे यहाँ गाँव में ना आए। ये क्या है? लॉकडाउन ना। ये लॉकडाउन तो बड़ा अच्छा लॉकडाउन शब्द से हमने इस साल हम लोगों ने जाना है, पर इस तरह का बाड़ा बांधने की प्रक्रिया तो और प्रथा तो बहुत आदिम समय से चली आ रही है ना। और इस तरह की बहुत सी प्रथाएं होंगी, शायद ये आदिवासियों के रेजिलियंस को डिटर्मिन करने में और उसको डिफाइन करने में कामयाब है। और ऐसे हो भी सकता है, मैं ये नहीं, मैं पूरे रोमांटिसाइज नहीं करना चाहती, परंतु आदिवासियों के बीच कुछ कुछ ऐसी सांस्कृतिक या मान्यताएं भी हो सकती हैं जो कि उनके रेजिलियंस को, रेजिलियंस क्या है, हम लोग डिजास्टर और बार बार तूफान और ये सब आए उसी के बाद हम लोगों ने ये शब्द भी डिजास्टर रेजिलियंस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ताकि जब आए भी तो कम से कम हानि हो। तो ऐसा ऐसे कुछ कुछ सुराग ऐसे हो सकते हैं आदिवासी समुदायों के बीच, क्योंकि सभी आदिवासी समुदायों को एक ही तर्ज पे नहीं रखा जा सकता, सब में कुछ अच्छाइयां हैं और हो सकता है कुछ कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो अगर कहीं किसी समुदाय में रेजिलियंस को कम पाया गया तो उनको और रेजिलियंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि कई तथ्य ये भी हैं कि अगर गरीबी रेखा के नीचे के पॉपुलेशन को देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे के जो हमारा देश की आबादी है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किस समुदायों की होती है? आदिवासियों की। दलित भी है, आदिवासी है, और जो एकदम ही मोस्ट बैकवर्ड कास्ट भी बोले जाते हैं ना, तो गरीब में मोस्ट गरीब आदिवासी है, अशिक्षित में सबसे ज्यादा अशिक्षित आदिवासी है। और देखिए यूनाइटेड नेशन में पहले दशक में भी बोला, दूसरे दशक में भी बोला इस तरह नीतियां थी, पर अभी तक इन बातों में ध्यान उतना नहीं मिल पाया जितना होना चाहिए। और ये बतलाया जाता है कि 7000 भाषाएं हैं अभी, और ये 7000 भाषाओं में 40% भाषाएं हैं जो कि लगभग लुप्त होने वाली हैं। और ये भाषाओं के लुप्त होने का एक कारण जो कि बहुत ही ज्वलंत कारण है कि इन भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जाती, पठन पाठन में ये भाषाएं नहीं है। इसलिए आज हम लोग या तो हिंदी सीखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या तो उड़ीसा में उड़िया सीखने में मजबूर हो जाते हैं, बंगाल के आदिवासी बंगाली सीखने में के लिए मजबूर हो जाते हैं, सुंदरबन में जितने संथाल और कुराव लोग हैं वो बंगला ज्यादा जानते हैं, और नेपाल में भी जो उराव और संथाल लोग हैं उनके नाम संथाली या कुर्ख सुनिएगा तो टाइम लगता है कि नेपाली बोल रहा है कि कुर्खी बोल रहा है, ऐसे ही बांग्लादेश की भी हालत है। तो वैसे मैं ये भी बोल दूं कि ये दो समुदाय तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हैं, आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे संथाल, नेपाल में भी,
परंतु ये तरह राष्ट्रीय भाषा तो समुदाय है और भाषाएं भी बोली जा रही है, पर इनके संरक्षण के लिए नियम भी बन जाएंगे, परंतु जब तक इन पर शिक्षा नहीं होगी, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा, ये भाषाएं लुप्त ही हो जाएंगी। क्योंकि हमारे झारखंड में ही कुछ ऐसे ही आदिवासी समूह हैं जिसमें कुछ ही सौ लोग, हजार भी नहीं, कुछ सौ लोग ही या कुछ हजार के आसपास के लोग हैं, उनकी भाषा का क्या होगा, उनकी संस्कृति का। तो वो सबसे ज्वलंत कारण ये है कि इन भाषाओं में जब तक पढ़ाई पठन पाठन, मुझे बहुत ही गर्व के साथ ये बोलने का मौका है कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा की पढ़ाई और रिसर्च भी होता है, परंतु हमारे संथाल परगना रीजन में और भी आदिवासी समुदाय होंगे, उनके पठन पाठन के लिए शायद सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी को ही मेहनत करना पड़ेगा। और मैं इस समय बोलने में बिल्कुल मैं बहुत खुशी और गर्व के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की हमारे गवर्नर मैडम और जो इस यूनिवर्सिटी की चांसलर भी हैं, वो बहुत ही जागरूक और सचेत हैं इस मामले में कि हमारे रीजनल और आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन हो रहा है कि नहीं। बल्कि अभी 13 तारीख को इसी बात पर बहुत ही फोकस होकर हमारा हम लोगों की सभा होगी और हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे जो आदिवासी भाषाएं हैं उनको वो स्थान दिया जाए, वो दर्जा दिया जाए जो कि उनको मिलना चाहिए। और जो मैं तीसरे दशक की बात बोल रही थी, जो कि 2022 से लेकर 2032 तक होगा, वो इन भाषाओं को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस 2 साल के लिए मनाया जाएगा और उसके बाद ये डेकेड में जाएगा। और इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ सभी भाषाओं के लिए इतना चिंतित है, क्या हम और आप ना करें अपनी ही भाषाओं के लिए भी और अपने पड़ोसी की भाषा के लिए भी। और इसलिए ये मैं सोचती हूँ कि ये बहुत आवश्यक है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं संथाल एकेडमी के द्वारा भी और संथाली डिपार्टमेंट के भी द्वारा कि कैसे हम सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह की कल्पनाएँ हम करें कि हो सकता है ये 22 से लेकर 32 के बीच इतने बड़े बड़े पाइनियरिंग काम हो जो कि औरों को भी सिखाने लायक मॉडल बने। हो सकता है किसी चीज में गलती भी हो जाएगी, गिर गिर कर नाम उठेंगे पर चलते ही जाएंगे। और इसलिए शिक्षा के इस प्रांगण से क्षेत्रीय क्यों नहीं आदिवासी और इस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाएं जो विलुप्त होने जा रही हैं उनका एक उत्तरदायित्व इस यूनिवर्सिटी को, इस विश्वविद्यालय को है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस में ये सोच में लेकर आज से कल और परसों हम लोग, क्योंकि पूरे संसार में और संयुक्त राष्ट्र में इसका समारोह 10 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि 9 तारीख इतवार है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग 9 तारीख के पहले से समारोह मना रहे हैं और 9 तारीख के बाद तक भी विश्व स्तर पर मनाएंगे। और इसलिए मैं सबको शुभकामना देते हुए ये आग्रह करूंगी कि सब लोग सोचें कि क्या किया जा सकता है और क्या क्या होना चाहिए। और इसलिए मैं अपनी ये छोटी सोच से भरी बातों को मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के हमारे प्रांगण में बिखेर कर जाना चाहती हूँ, ताकि हम समय आने पर इन सबको समेट के सुसज्जित करके और इसको आगे बढ़ा सकें और इनको ठोस शेप देने सके और इन पर काम भी करने सके, ताकि हमारे ऊपर एक मॉनिटरिंग बॉडी ना हो पर हम ही अपने मॉनिटरिंग के लिए खुद काम करेंगे और अपने आउटपुट्स को दिखलाएंगे। इनपुट्स की केवल चर्चा नहीं करेंगे परंतु आउटपुट्स को दिखलाने के लिए हम कटिबद्ध होकर काम करेंगे और हम अपने असेसमेंट हर साल करेंगे कि हमने जो निर्णय लिया था उसको पूरा किया कि नहीं। विश्वविद्यालय के एनुअल रिपोर्ट में यही तो होना चाहिए और हम लोग इस पर ठोस रूप से कदम उठाने के लिए कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध होना चाहते हैं। और इसमें जहाँ तक हो सके यूनिवर्सिटी को जो जो कदम उठाना पड़ेगा मेरे ख्याल से पूरे दूसरे डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि ये संथाली भाषा डिपार्टमेंट का काम नहीं है, यहाँ
केवल संथाल एकेडमी का के चिंतन का विषय नहीं है, ये पूरी यूनिवर्सिटी का है, जहाँ की हो सकता है केमिस्ट्री से लेके फिलोसफी तक के डिपार्टमेंट्स को साथ आना पड़ेगा, ताकि हम इन सभी बातों को और भी ठोस रूप दे सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत धन्यवाद।